करके बताइए कैसा बना है। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये यहीं पर आ गया, इस बार सोच रहे ये देखिए टूट भी गया है। रखे रखे ही होता है ना। और ये देखिए पापा जी पूरा फैला दिए हैं कपड़ा। तब आप लोग बोलते तो अच्छा भी लगता, मैं सुनती भी कि नहीं मैं गलत हूँ। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विथ अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल। तो सुबह का मेरा जो भी रूटीन है यहाँ का वो मेरा हो चुका है, जैसे कि नहाने के बाद सीधे पूजा करना, उसके बाद किचन में आना, वही मैं आई हुई हूँ। आई थी चाय बनाने, लेकिन चाय बनाने में थोड़ा सा लेट था, तो मैं सोची कि चलो तब तक ये जो मटर है ना इसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि मटर एक बार पकाओ तो पका नहीं रहता है तो फिर से पकाना पड़ता है, तो ये काम मैं पहले ही कर ले रही हूँ। तो सफ़ेद वाला मटर है गाइस, इससे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ वो मैं पी चुकी हूँ, और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या डाल के बॉयल करने वाली हूँ। तो इसमें जाएगा नमक और साथ ही हल्दी, कुछ भी नहीं जाएगा, बहुत ही कम मसालों में ये सब्ज़ी बनती है और बड़े ही स्वाद की बनती है। और इसको मैं 7 से 8 विसल के लिए पकाऊँगी, और आपको पता है मैं 7 से 8 विसल लगाई थी लेकिन पका नहीं था, तो फिर से मुझे 4 से 5 विसल लगाना पड़ा था। नहीं थोड़ा कम किए थे, थोड़ा कम करके छोड़ रहे हैं उसको। हाँ नहाने जा रही हैं आप? नहीं नहीं कुछ कर नहीं रहे, जाइए नहा लीजिए। हो गया मसाला से क्या करें? नहीं पीसना नहीं मसाला नहीं ना, बिना ऐसी ऐसी जाते हैं हल्का पाउडर डाल के। पाउडर कहाँ है? कुछ नहीं रखी है, जीरा गोल की है, थोड़ा जीरा गोल की है, धनिया नहीं है ना, ना सब पाउडर बन रहा है। हल्का सा पीस लेंगे आप, मिक्सर में रखिए आप, पीस लेंगे इसमें क्या है हल्का है पीसे वाला में। ये जो है देखिए तो ये है ना। हाँ इसमें बहुत कम मसाला जाता है, इसी का मेन स्वाद रहता है, समझी ना, मसाला नहीं जाता है। और ये एक लिमिटेड शेप में है, इतना छोटा शेप में नहीं मिलेगा, बहुत सब जान जान करता है, जगह चाहिए ज्यादा। ये देखिए क्या है, ये जो चूड़ी केस देख रहे ना गाइस, अरे ये खुल गया। अच्छा इसमें स्टिक था, ये निकल गया, कोई बात नहीं। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड गिफ्ट की थी। ये देखिए इतना सारा चूड़ी मैं छोड़ के जाती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ ना कि इसमें और भी सारा चूड़ी मैं भर के जाऊँ, ताकि बेंगलोर से मुझे लाना ना पड़े चूड़ी, क्योंकि चूड़ी लाने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, वेट भी हो जाता है काफ़ी। मैं सोच रही हूँ कि सारा ऐसे जो भी देख रहे हैं ना सब ये सब भर के जाऊँ। तो ये है चूड़ी केस जो कि मेरी फ्रेंड दी थी, स्कूल फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड। और एक चीज़ और दिखाती हूँ इसके साथ क्या दी थी, ये देखिए ये है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये यहीं पर आ गया, इस बार सोच रहे इसको उठा के घर ले जाए, नहीं सॉरी बेंगलोर ले जाए। शादी के समय का चूड़ी नहीं है? हाँ खुला, बड़ी बहुत मुश्किल से खुला, पता नहीं कैसे लॉक हो गया था ये देखिए टूट भी गया है।
रखे रखे ही होता है ना। नहीं कलर नहीं खराब हुआ इसका, इसका रंग ही थोड़ा सा वो हो गया है, तो वही कह रहे नहीं है कि मध्यम मध्यम लग रहा, थोड़ा चटक चटक खरीद लो। किचन में आ गई हूँ मटर की सब्जी बनाने के लिए। आज के ब्रेकफास्ट में यही बनने वाला है। तो सरसों का तेल ली हूँ, 2 तेज़पत्ता, हींग जरूर जाएगा इसमें, जीरा, 2 लाल मिर्च डाली हूँ और 2 मीडियम साइज का प्याज था जिसको मैं लंबा लंबा काट ली थी, उसको डालेंगे और हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। और आप नोटिस कीजिएगा कि अभी मेरा चूड़ी चेंज हो गया है। मैं चूड़ी केस दिखा रही थी ना सासू माँ को, तो वो बोली कि लाल वाली चूड़ी पहन लो, तो जो मैं पहन के आई थी बेंगलोर से वो निकाल दी हूँ और लाल वाली चूड़ी पहन ली हूँ। उसी में क्या हुआ कि थोड़ा सा हाथ में लग गया, ब्लड आने लगा था, तो वहाँ पर मैं बोरोप्लस लगा ली हूँ। अभी मसाला पीस के रखी थी गाइस, जिसमें मैं ली थी 6 से 7 लहसुन, थोड़ा सा अदरक ली थी, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, जीरा से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया ली थी और 4 से 5 मैं ब्लैक पेपर ली थी और गरम मसाला ले ली थी। वो सब लेके सभी को मैं स्मूथ पीस ली थी। और सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ये सब्जी बनके रेडी हुई थी। मैं तो हमेशा सूखे मसाले से ही बनाती हूँ गाइस, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसाला जाता है, लेकिन यहाँ सूखा मसाला नहीं रहता है, मुझे पता था। पीस के बनाई थी फर्स्ट टाइम और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी ये सब्जी। हल्दी डाली हूँ और 1 मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, नमक भी जाएगा साथ में, और मसालों को अच्छे से भूनना है। बेंगलोर में सब्जी बनाती हूँ तो उसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ अच्छा कलर आने के लिए, और यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी सब्जी का कलर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। आप लोग देखिएगा, लास्ट में मैं आप लोग को दिखाऊंगी सब्जी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। मसाला तो पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम 4 से 5 मिनट तो आराम से लगने वाला है, और तब तक जो भी मैं रायता फैलाई हूँ ना उसको मैं समेट ले रही हूँ। और आपको पता है यहाँ पर मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा ही भूनती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ ना कि मसाला अच्छे से मैं भूनती हूँ फिर भी सासू माँ क्या कहती हैं कि थोड़ा कच्चा कच्चा सा लग रहा है मसाला। तो जब मुझे लगता है ना कि मसाला भुन गया, उसके बाद भी एक्स्ट्रा में 2 मिनट और भूनती हूँ ताकि कहीं से भी ना लगे कि मसाला कच्चा कच्चा है। होता है, सबका अपना अपना स्वाद होता है। तो आप देख सकते हैं फाइनली मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें जाएगा बॉयल किया हुआ ये मटर। इसको 2 बार मुझे सीटी लगाना पड़ा गाइस, फर्स्ट टाइम चेक की तो उतने अच्छे से नहीं हुआ था, दोबारा मैं 4 से 5 विसिल लगाई तब जाके ये अच्छे से हुआ। थोड़ा सा भी ये कड़ा रह जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है खाने के लिए, पेट में गैस फॉर्म होने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अच्छे से गला जरूर लीजिएगा इस सफ़ेद मटर को। और आपको पता है मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, 3, 3:30, 4 बज रहा होगा, क्योंकि सुबह से मैं जो काम स्टार्ट करती हूँ ना, काम जाके ख़त्म होता है 3 बजे के आसपास, तब जाके मैं फ्री होती हूँ, सब लोग आराम कर रहे होते हैं, तब मुझे थोड़ा सा समय मिलता है तो दूसरे रूम में आके धीरे धीरे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो देखिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और हो सके तो 2 से 3 घंटे बाद ये व्लॉग पोस्ट भी होगा आज ही। तो आप लोग देखे ही कि सब्जी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है प्रॉपर, और उसके बाद मैं बना ले रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। हाँ सब्जी हो गया, देख लीजिए, बता दिए सब्जी। अरे तो दाल बनाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह सुबह का है ना, नहीं तो उसमें पानी डाले हैं थोड़ा सा। ये उनके लिए आप बोलिए, पापा जी के लिए बना दे, क्या करें बोलिए, हम लोग तो वही खाएंगे ना, उनके लिए बस गिन के अभी 3 गोभी बना रहे, 5 रोटी बना रहे उनके लिए बस, ठीक है। बच जा रहा है तो फिर बस हम सेक ले रहा है, 3 2 सेक लेंगे, सेक आ जाएगा। हम तो कह रहे पापा जी आप बैठ के आप दोनों खाना खा लीजिए, इसलिए कि हो ही गया है। ठीक है, रस ठीक है ना? किसको रस दे रही है? क्यों देखे तन तीता होता ही बना है, 4 गो मिर्च डाले हरा, हाँ तो हमको तो ठीक लगता है इसलिए हम डाले हैं, थोड़ा सा वो चटके ठीक लगता है। बाकी आप खा के बताइए कैसा बना है। हमको थोड़ा पसंद, हमको सही हो जाता है, बाकी तो जानते हैं। नहीं ठीक है, सही
ना, क्या देख रही है? लीजिए बाप रे। आप कब खाएंगे जी? खा लीजिए। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ऊपर कपड़ा पसारने के लिए। सुबह सुबह आपको पता है पूरा धूप था, सॉरी बारिश हो रही थी। और ये देखिए पापा जी पूरा फैला दिए हैं कपड़ा, थोड़ा सा बस उधर जगह है वहाँ पे मेरा कपड़ा हो जाएगा। और पूरा फैला हुआ है कपड़ा, सुबह सुबह बारिश हो रही थी। जब से मैं आई हूँ यहाँ का ये मौसम थोड़ा बारिश बारिश जैसा ही रहता है। अभी मौसम साफ है तो फटाफट से कपड़ा मैं फैला दे रही हूँ ताकि समय से सूख जाए। कपड़ा तो फैल गया गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ का प्लांट कितना ज़्यादा सुंदर सुंदर प्लांट है यहाँ पे। ये देखिए ये अड़हुल का फूल है और ये तो शो प्लांट है, लोग देख सकते हैं। और ये जो पीला पीला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कनेल, कनेल का फूल है ये। और ये है सफ़ेद वाला गुलाब का फूल, ये भी अड़हुल है, ये गुलाब का फूल है। और ये सन्नी पत्र होता है ना, सन्नी गाछ, आई थिंक ये वो है, ये मुझे नहीं पता और ये भी नहीं पता। इतना सारा गमला आप देख सकते हैं पूरा खाली है, पूरे गमले में प्लांट हुआ करता था हमेशा, लेकिन इस बार इतना ही है। क्या आने के समय के साथ कुछ कुछ प्लांट सूख जाते हैं ना, तो गमला साइड में करके रखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, मेरा काम तो हो गया ऊपर का, चलते हैं अब नीचे। सो गाइस, अभी मेरा लंच बन रहा है, ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग बात ही कर रहे थे 12 बजे तक सब लोग, उसके बाद सब लोग सोने चले गए। और आपको पता है मैं भी सो रही थी, आधे घंटे के लिए सोई, फिर देखी कि समय हो गया है लंच बनाने का, 1:15 बज गया था। तो खाना बन रहा है मेरा, दाल बन चुका है, सब्जी चढ़ा हुआ है, उसके बाद बनाना है चावल, सुबह वाली सब्जी बची हुई है मटर की वो हो जाएगा, और रोटी भी है, तो यही सब बनाना है। और सब लोग सो रहे हैं, पतिदेव अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। और आपको पता है मुझे वॉइस ओवर करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ जाके वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि हॉल में ससुर जी सो रहे हैं, एक रूम में सास सो रही है, दूसरे रूम में पतिदेव जी काम कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ वॉइस ओवर करने? आज ब्लॉग सेंड करना है, देखते हैं अगर एडिट हो जाता है, मतलब सब कुछ रेडी है, बस वॉइस ओवर करना है थोड़ा बहुत, अगर वो हो जाता है तो आज ब्लॉग मेरा सेंड हो जाएगा। और मौसम भी ऐसा हो रखा है ना गाइस कि बार बार चेक करना पड़ रहा है कि कहीं बारिश नहीं स्टार्ट हो जाए, क्योंकि झीसी होती है ना, धीरे धीरे होती है, पता भी नहीं चलेगा, और बारिश धीरे धीरे होते रहेगी। और छत पे आप लोग देखे हैं कि कितना ज़्यादा कपड़ा फैला हुआ है, तो ये भी देखते रहना पड़ रहा है बीच बीच में। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, जहाँ किचन है ना बगल में ही विंडो है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कहाँ से मैं झाँकती हूँ बाहर और चेक करती हूँ कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए मैं आप लोग को विंडो दिखाती हूँ। किचन से होते हुए अभी मैं आ गई हूँ डाइनिंग एरिया में, और सामने ही आप देखिए एक विंडो है, तो यहाँ से मैं नहीं देखती हूँ गाइस। इसके बगल में भी एक खिड़की है, किचन से ये खिड़की साफ दिखते रहता है, और यहीं पे मैं देखते रहती हूँ कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। और बगल में है पूजा रूम, वैसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना अच्छे से टूर कराने वाली हूँ अपने इस घर का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मतलब जिस फ्लोर पे रहते हैं ना, उसको मैं अच्छे से आप लोग को दिखाऊँगी। और फिर से मैं आ गई हूँ गाइस किचन में खाना बनाने के लिए, सब्जी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, अभी मैं बनाने वाली हूँ चावल। वैसे तो ये काम मेरी सासू माँ करती हैं, क्योंकि मांड पसा के चावल बनता है यहाँ पे, और मैं कभी बनाई नहीं हूँ, लेकिन वो सो रही थी तो मैं सोची कि क्या है उनको डिस्टर्ब करना, खुद ही मैं लग गई चावल बनाने वाले काम पर। तो पानी मैं बॉयल करने के लिए रख दी हूँ, और जब मैं बॉयल करती हूँ ना, तभी चावल को धो के रख देना होता है, ऐसा वो करती हैं, तो सेम वैसे ही मैं भी फॉलो कर रही हूँ उस चीज़ को। हल्का सा चावल आगे पीछे गिराया जाता है, उसके बाद ही जाता है ये पानी में, और बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता ये चावल पकने में, मुश्किल से 4 से 5 मिनट में ना ये चावल बन के रेडी हो जाएगी। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रही थी, डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन सच्ची बताऊँ तो चावल बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी मुझसे।
कांड तो अच्छे से पसार ली हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम ऑन करके इसको रखना होता है लो फ्लेम पे ही, ताकि चावल में जो थोड़ा बहुत मांड रहा है ना वो अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी। उसके बाद क्या करना होगा ना कि चावल को थोड़ा बहुत हिलाना होगा, ताकि नीचे का चावल ऊपर आ जाए और ऊपर का चावल नीचे चला जाए। इससे क्या होगा कि चारों तरफ से मतलब चावल अच्छे से ऊपर नीचे पक जाएगा। सो गाइस, मैं आ गई हूँ छत पे। पूरा कपड़ा चला गया, देखिए ससुर जी पूरा कपड़ा लेके चले गए। मेरा वहाँ पे लटक रहा है और ये रहा दुपट्टा। ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा यहीं पे टहलूँगी अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जस्ट मैं लंच करके आई हूँ तो सोच रही हूँ यहीं पर टहल लूँ। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है छत पर, इतना खुला 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 खुला, कहाँ मिलेगा आपको बताइए? सोसाइटी में तो नहीं मिलने वाला है, अपना घर होगा ऐसा तभी मिलेगा। मम्मी जी 2 लेंगे, आप पापा जी 1 लेंगे समोसा, ये 2। हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं, ये रहा आप लोग का, लीजिए इतना आइए। सो गाइस, कल व्लॉग का एंड पार्ट शूट नहीं हुआ था, बस उसी को मैं एंड करने वाली हूँ। व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आप लोग का कुछ कुछ कमेंट आया है उसका जवाब दे दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कमेंट यही आ रहा है कि आप झारखंड के किस सिटी में आपका ससुराल है। तो गाइज, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ किस सिटी में मेरा ससुराल है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा जो ससुराल है वो झारखंड में है और जो मेरा मायका है वो है बिहार में, लेकिन मैं सिटी का नाम देखिए नहीं बता सकती हूँ। और दूसरा क्या कमेंट आया था कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो कितने भाई बहन हैं। वैसे तो मैं बहुत पहले भी बताई हूँ अपने व्लॉग में, लेकिन जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि बहन तो कोई नहीं है, बस 3 भाई हैं। एक बड़े हैं जेठ, जेठानी दूसरे नंबर पे हम लोग हैं, और हमसे छोटे एक देवर हैं जो कि अभी अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है अभी उनकी। तो 3 हैं ये लोग भाई, हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। और जो जहाँ पे जॉब करता है वो वहाँ अपना रह रहा है। लास्ट ईयर दिवाली में मेरे जेठ जेठानी यहाँ पे आए हुए थे और इस बार हम लोग यहाँ पे आ गए दिवाली में। और उसके बाद एक और मुझे कमेंट आया कि क्या आपके फैमिली को पता चल गया क्या व्लॉगिंग करते हो, मतलब कि मेरे ससुराल में। मेरे मायके में तो सभी को पता है, लेकिन मेरे यहाँ पे किसी को नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो डियर, मैं बता दूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताई हूँ, मुझे बताना भी नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, किसी को नहीं पता है। जो भी आप थोड़ा बहुत देखते हैं ना वो मैं हल्का सा ले लेती हूँ, क्योंकि क्या पता कमेंट आ सकता है कि आप अपने सास ससुर को दिखाइए, मिलवाइए। मिलवा नहीं सकती हूँ, बस हल्का हल्का सा ले लेती हूँ, ताकि आप लोग देखिए कि यही मेरे सास और ससुर हैं। कहेंगे कि फेस टू फेस मिलवाइए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बताई नहीं हूँ। तो वही है कि मैं यहाँ पे नहीं बताई हूँ किसी को भी कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और एक बड़ा अजीब सा मुझे कमेंट आया कि आप सूट घर से ही क्यों नहीं पहन के निकली, मतलब बैंगलोर से ही सूट पहन के क्यों नहीं आए हम यहाँ पे अपने ससुराल में। तो देखिए, जब भी डायरेक्ट आना होता है ना, जब भी बैंगलोर से मैं डायरेक्ट अपने ससुराल आती हूँ तो हमेशा सूट ही पहन के आती हूँ। पहले से पता था कि हम लोग स्टे करने वाले हैं रांची में, इसलिए मैं जींस पहन के आ गई। देखिए, ससुराल में एंट्री करनी है वो सूट होना चाहिए या फिर साड़ी होना चाहिए, चाहे आप जहां भी वियर कर लो सूट साड़ी वो मैटर नहीं करता, बस एंट्री होनी चाहिए सूट और साड़ी में, है कि नहीं। और मेरा एक दिन का स्टे था, एक रात का स्टे था रांची में, इसलिए मैं जींस पहन के आ गई और रांची में चेंज कर ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तब जरूर हो जाती जब मैं यहाँ पे एंट्री कर देती जींस में, तब आप लोग बोलते तो अच्छा भी लगता, मैं सुनती भी कि नहीं मैं गलत हूँ। तो यही है, डायरेक्ट आना होता है तो मैं वहीं से सूट पहन के आती हूँ, डायरेक्ट नहीं आना था इसलिए मैं जींस पहन के ही निकली थी बेंगलुरु वाले घर से। तो होप कि जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो गया होगा गाइस। तो चलिए, व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, काफी लंबा व्लॉग हो चुका है। व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।